अचानक काटती है, ठीक है। और फिर वो बता रहे हैं कि डेट इज वाई, इसी वजह से हम उसको जिंगर बोलते हैं। और फिर वो उसकी कहानी बता रहा है, एंड व्हेन शी वाज इन द ब्लूज बॉक्स शी यूज टू स्नैप वेरी मच, वन डे शी बिट द केयर टेकर इन द आर्म एंड मेड इट ब्लीड, एंड सो द यंग लेडीज हु आर वेरी फाउंड ऑफ मी वर apprehensive of coming into the stubble. They used to bring me nice thing to eat, an apple or a carrot or a piece of bread, but after Zinger stood in the box they dared not come, and I miss them very much. I hope they will now come again if you do not bite or snap. यानी वो उस जिंगर के बारे में, यानी उस घोड़ी के बारे में बताता है कि एक दिन ऐसा हुआ था कि वो उसने केयर टेकर कहते हैं देखभाल करने वाले को, केयर टेकर के बाजू पे उसने इतने ज़ोर से काटा था कि उसकी ब्लड निकल गई थी, जिसकी वजह से वो खातून जो कि मेरी गोल्ड के लिए कैरोट और ब्रेड यानी के गाजर सेब और ब्रेड वगैरह लाती थी, उसने उसको देखा और वो डर गई, और जिसकी वजह से उसने वहाँ पर आना छोड़ दिया। लेकिन वो फिर मेरी गोल्ड ये कहती है कि मुझे उम्मीद है कि वो मेरी मोहब्बत में जो है वो वापस आएगी, ठीक है। आई टोल्ड हिम आई नेवर बीट एनी थिंग बट ग्रास हे एंड कॉर्न, उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ सवाए घास फूस के और दानों के, एंड कुड नॉट थिंक वाट प्लेजर जिंगर फाउंड इट, और मुझे नहीं पता कि उसको इसमें क्या खुशी मिलती थी। वेल आई डोंट थिंक शी डज फाइंड प्लेजर सेम लेग्स, इट इज़ जस्ट अ बैड हैबिट, शी सेज नो वन वाज एवर काइंड टू हर, एंड वाई शुड शी नॉट बाइट, आई एम श्योर इफ ऑल शी सेज बी ट्रू शी मस्ट हैव बीन वेरी इल यूज बिफोर शी कम हेयर, द केयर टेकर डू ऑल दे कैन टू प्लीज हर, एंड अवर मास्टर नेवर यूज इज वाइफ इफ अ हॉर्स एक्ट राइट, सो आई थिंक शी माइट बी गुड टेम्पर्ड हेयर, उसने कहा कि मेरी लेग जो है बहुत अच्छी है, पैसे तो बहुत अच्छे, लेकिन उसकी एक बैड हैबिट है कि वो काटती है, सही है, वो इस वजह से करती है कि सब लोग उसे बुरा कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वो अपने केयर टेकर जो है, वो जो केयर टेकर है जो देखभाल करने वाला, वो ये कहता है कि वो मास्टर जो है जो घोड़े अच्छे तरीके से रहते हैं उसको वो बहुत ज़्यादा उस पर शफ़क़त करता है और उसको चाबुक भी नहीं मारता है, ठीक है। सो आई थिंक शी माइट बी गुड टेम्पर, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो जो जिंगर है उसके बारे में कह रहा है कि मैं ये समझता हूँ कि उसको अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, उसका गुस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू सी ही सेड विद ए वाइज लुक, आई एम 12 ईयर ओल्ड, आई नो अ ग्रेट डील एंड आई कैन टेल यू देयर इज़ नॉट अ बेटर प्लेस फॉर ए हॉर्स। अब वो बताती है मेरी लेग कि मैं 12 साल की हूँ और मैंने देखा है कि इससे बेहतर जगह जो है घोड़ों के लिए मुल्क में कहीं नहीं है, फॉर आ हॉर्स ऑल अराउंड द कंट्री, यानी पूरे मुल्क में इससे बेहतर जगह घोड़े के लिए नहीं है। द हेड केयर टेकर इज़ द बेस्ट ग्रूम डेट ओवर वाज ही हैज़ बीन हेयर 14 ईयर्स, और फिर वो कहता है कि केयर टेकर का जो यानी जो देखभाल करने वाले का जो बड़ा है वो यहाँ पर 14 साल से है, एंड यू नेवर सा सच ए काइंड बॉय, और एज द स्टबल बॉय इज सो डेट इज अ ऑल जिंगर्स ऑन 4 डेट शी डिड नॉट स्टे इन दैट बॉक्स। तो वो ये कहता है कि इस जैसी जगह जो है पूरे मुल्क में घोड़ों के लिए कहीं नहीं है, क्योंकि केयर टेकर बहुत काइंड है और केयर टेकर का जो हेड है वो केयर टेकर का जो हेड है वो भी बहुत मेहरबान लड़का है, ठीक है। तो इस जैसे जिंगर को जो है ये सारी जो गलतियाँ होती हैं जो जिनको बॉक्स से अलग कर दिया जाता है वो उन जिंगर्स की यानी उन तेज़ घोड़ों की खुद की गलती होती है।